हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये जो हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है इसके साथ। और इस बैटरी को लेकर हम आज पूरा रिव्यू टेस्ट करेंगे, और इस बैटरी को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस बैटरी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, और किस प्रकार के चार्जर की मदद से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, उन सभी के बारे में इसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वस्तुओं के बारे में बता देता हूँ। ये हमारी जो बैटरी है 12 वोल्ट 7.5 एम्पीयर की बैटरी है, जो कि गोल्ड स्टार की है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसी बैटरी के बारे में बताया था। और ये हमारा टाइटन का चार्जर है, और इस चार्जर की मदद से हम इस बैटरी को चार्ज करने वाले हैं। ये हमारा जो चार्जर है वो 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए है, और ये 5 एम्पीयर का चार्जर है। इस तरह का दिखाई देता है, शायद आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। इस चार्जर के बारे में हम बाद में रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आइटम है वो दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा उजाला बल्ब, जो कि इस बल्ब का जो नाम है, कंपनी का ब्रांड है, वो SMD बल्ब है। 12 वोल्ट और 12 वाट का ये वाला बल्ब है। इस तरह का ये मैंने 2 बल्ब लिए। ये जो है हमारे ये दोनों बल्ब हो गए। तो अभी इन सभी वस्तुओं को हम कुछ इस प्रकार से बताएंगे, मतलब बताने का मैं कोशिश करता हूँ आपको कि हम इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इस चार्जर से इस बैटरी को चार्ज करेंगे, और ये कितने टाइम में ये चार्ज होती है वो भी हम देखेंगे, और फिर इसके बाद में इन दोनों बल्ब पर इस बैटरी का बैकअप कितना होता है वो हम ट्राई करेंगे। तो उसके लिए ये अभी बैटरी जैसे कंपनी से आई है, तो ये हो सकता है कम चार्ज हो या फिर फुल चार्ज हो। तो हम सबसे पहले इस बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए यह जो बल्ब है वो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। इस तरह से बल्ब की रोशनी आती है और काफी अच्छे से ये बल्ब ग्लो करता है। और ये मैं दूसरा बल्ब भी इसके साथ में छोड़ लेता हूँ, तो दोनों बल्ब काफी अच्छी लाइट दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। का जो चीज बैटरी के अंदर जो पावर है, जो चार्जिंग है, वो हम क्लोज कर देते हैं, बैटरी को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद में चार्ज से चार्ज करते हैं, और फिर बैटरी कितना टाइम में फुल होती है वो उसके बारे में उससे डिटेल बात इस बैटरी के साथ में हम चेक करेंगे।